हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जेएमडी इंडिया न्यूज 24x7 में। भाजपा के संभावित प्रत्याशी इंजीनियर कवीश राणा ने ग्राम गुहावर स्थित राम संतोष गार्डन में मतदाता जागरण कार्यक्रम का आयोजन कराया। कवीश राणा ने कहा कि भाजपा सरकार में लोग भयमुक्त हैं, मोदी व योगी जी की सरकार में गुंडागर्दी का सफाया हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि आने वाली सरकार भाजपा की ही होगी। उन्होंने लोगों से 100% मतदान करने और नए वोट बनवाने के लिए कहा। पूर्व विधायक इंद्रदेव सिंह ने कहा कि भाजपा की जन कल्याणकारी योजनाएं आज जन जन के बीच में है। हर वर्ग का व्यक्ति कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा रहा है। विकास ही भाजपा का अहम मुद्दा है। बतौर मुख्य अतिथि गौरक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा आचार्य महाराज ने कहा कि लोगों का भरोसा भाजपा पर कायम है। इस सरकार में गौ माता भी सुरक्षित हैं, गौकशी वाले सीधे जेल जा रहे हैं, गुंडा राज का खात्मा हो रहा है। मध्य प्रदेश के प्रभारी अनिल सूद ने अपने शब्दों में कहा कि भाजपा की सरकार में हर व्यक्ति आजादी महसूस कर रहा है। 2022 में एक बार फिर भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रमोद चौहान ने व संचालन विनोद कुमार ने किया। इस मौके पर क्षत्रिय सभा के जिलाध्यक्ष नरेंद्र चौहान, महिला मंडल अध्यक्ष किरण चौहान, विवेक कुमार सरोहा, किसान यूनियन से खचेड़ू सिंह चौहान आदि उपस्थित रहे।